Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used for the tissue to make it hard for cutting? आपको पूछा जा रहा है, इनमें से जो दिए गए हैं, तो इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू को हार्ड करने के लिए, जो कटिंग से पहले हम हार्ड करते हैं टिश्यू को, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वैक्स. ठीक है, वैक्स के इस्तेमाल से जो टिश्यू होता है उसको हार्ड किया जाता है ताकि वो उसको हम फिर स्लाइस कटिंग में ईजिली हम उसको कटिंग कर सकें. ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप एम्बेडिंग कर सकते हैं. चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू इज नॉट कम्प्लीटली क्लियर्ड बाय जाइलिन. आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कम्प्लीटली क्लियर्ड नहीं होगा जाइलिन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेन. ठीक है, ये जो जाइलिन होता है वो बिल्कुल क्लियरिंग एजेंट के रूप में काम करता है, और ये क्या करता है, जो अल्कोहल जो प्रेजेंट होता है, जो डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उसको जाइलिन के द्वारा क्लियर किया जाता है. ठीक है, और यदि पूछा जाए कई अमाउंट के बारे में पूछा जाए कितने अमाउंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मोर देन 10 times. ठीक है, जो वॉल्यूम होता है टिश्यू का उससे 10 गुना आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है जाइलिन का. ठीक है, क्लियरिंग के लिए. और यदि कभी एडवांटेज के बारे में यदि बात कर लिया जाए, तो ये जो होता है काफ़ी चीप होता है और इसका एक्शन रैपिड एक्शन होता है, उस कारण से इसका इस्तेमाल किया जाता है. ये पैराफिन और सेलोइडिन एम्बेडिंग, ये दोनों के साथ, दोनों के लिए बेहतर है. ठीक है, अब यदि इसके बारे में बात कर लेते हैं, टॉलिन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन के लिए जो होता है टॉलिन का इस्तेमाल करते हैं. कई बार ऐसा कि कई बच्चों के ऐसे भी मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जाइलिन का इस्तेमाल हम लोग ब्रेन को क्लियर करने के लिए क्यों नहीं करते हैं, ब्रेन टिशू को. तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये जो होता है ये टिशू को बहुत ही एक्सेसिबली हार्ड कर देता है और ब्रिटल कर देता है. ठीक है, यदि हम 3 आवर्स से ज़्यादा यदि जाइलिन में छोड़ देते हैं टिशू को, तो ये बहुत ज़्यादा उसको हार्ड कर देगा. ठीक है, और ये जो होता है ब्रेन के लिए, लिम्फ नोड के लिए, इन सब के लिए सूटेबल नहीं होता है. ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा टॉलिन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉलिन के बारे में मैं भी बता रहा था. तो टॉलिन जो होता है ये लेस हार्डनिंग करता है, ठीक है, जाइलिन के कंपेरिजन में. और लेकिन इसका एक डिमेरिट ये हो सकता है कि ये जो है क्लियर करेगा, काफ़ी स्लोली क्लियर करेगा. ठीक है, तो ये इसका एक डिमेरिट आप दे सकते हैं. इसके वजह से बहुत कम श्रिंकेज भी होता है टॉलिन की वजह से. तो ये आप जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए ये हमारा जो टॉलिन है ये बेस्ट है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रम स्टिक अपेंडेजेस इज एसोसिएटेड विथ. आपको ड्रम स्टिक अपेंडेजेस के बारे में पूछा जा रहा है कि एसोसिएटेड होता है कौन से सेल्स के साथ. तो ये WBC के सारे टाइप्स दिए हुए हैं, तो ड्रम स्टिक जो अपेंडेजेस दिखता है वो किस में दिखता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल. ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, एलम इन HND स्टेन एक्ट एज. यानी आपको पूछा जा रहा है एलम जो होता है हेमेटोटॉक्सिलिन इओसिन स्टेन में, वो एक्ट करता है किस रूप में एक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉर्डेंट. मॉर्डेंट के रूप में ये एक्ट करता है. और ये जो हमारा एलुमिनियम अमोनियम सल्फेट यानी एलम जो है, ये आप रूटीन हिस्टोलॉजी में इसका कॉमनली इस्तेमाल होता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, FNAC यानी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी इज टेकन फ्रॉम. यानी यहाँ पे जो सेल्स के सैंपल लिए जाते हैं वो किससे लिए जाते हैं ये पूछा जा रहा है आपको. तो ये जो आपके लिम्फ नोड हैं, ब्रेस्ट लंप हैं, नोड्यूल हैं, तो इन सब से लिए जाते हैं. इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन. ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा FNAC होता है, तो इसमें क्या होता है FNAC में, मैं थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ. तो इसमें निडल जो होता है, निडल के पीछे एक सिरिंज अटैच होता है जो कि क्या करता है, सक कर लेता है. ठीक है, यानी सक्शन अप्लाइड करते हैं और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो होगा वो हम ऑब्टेन कर सकें. ठीक है, उसके बाद हम उसको स्लाइड पे डालते हैं और स्लाइड पे भी हम क्या करते हैं उसको, और ये जो होगा ये बिल्कुल 5 सेकेंड्स के अंदर आपको ये कम कर लेने, काफ़ी जल्दी करने हैं. और फिर उसको स्मेयर तैयार करके ग्लाइसराइड पे जो मटेरियल जो भी निकलता है लम्प से या ब्रेस्ट लम्प से या नोड्यूल से, उसका हम ग्लास स्लाइड पे स्मेयर तैयार करेंगे, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है, ये काफ़ी क्विक प्रोसीजर है ये. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, पैप स्मेयर फॉर द स्टडी ऑफ हार्मोनल इफेक्ट इज टेकन फ्रॉम.
अब पूछा जा रहा है जो पेप स्पेयर जो लिया जाता है हार्मोनल इफेक्ट के लिए चेक करने के लिए स्टडी करने के लिए वो कहाँ से लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्विक्स। इसमें होता क्या है कि सर्विक्स के वॉल से जो होता है सेल्स को कलेक्ट किया जाता है जिसका कि फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है बाद में। तो इसके लिए डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं कि जैसे कि वेजिना है, वेजिना में आपको कोई भी फ्लूड या कोई भी वास नहीं करना है, वाटर से वास नहीं करना है, या तो कोई भी जो है पाउडरली सब्सटेंस वहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना है, कोई भी लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। यानी जो इंस्पेक्शन होगा इंस्पेक्शन से पहले आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद वो वहाँ पे वो सर्विक्स से क्या करते हैं, सर्विक्स से सैंपल निकालते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर होता है कोई बहुत ज़्यादा ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, लेकिन इरिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बार बॉडीज इज ऑब्जर्व्ड इन सेल्स। अब पूछा जा रहा है जो बार बॉडीज होता है वो ऑब्जर्व होता है किस सेल्स में ऑब्जर्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरमीडिएट सेल्स। तो ये इंटरमीडिएट सेल्स में ऑब्जर्व होता है, और ये जो इंटरमीडिएट सेल्स होता है ये 2 to 3 times लार्जर होता है पैराबेसल सेल से, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये पैराबेसल सेल्स जो होते हैं उससे ये लार्जर होता है, और ये जो पैराबेसल सेल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं ये तो आपको बताना है कि ये जो सेल्स होते हैं एक एपिथेलियल सेल्स ही है और ये काफ़ी छोटा होता है, स्मॉलर सेल्स होता है, ठीक है। और उसके बाद हम यदि बात करें तो ये जो लेकिन जो इसका न्यूक्लियाई होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर साइज का होता है, ठीक है। अब यदि बार बॉडी जो होता है वो इनएक्टिव, यदि पूछा जाता है इससे बार बॉडी जी क्या है, तो एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, सेल है इन सेल विद द मोर देन 1 X chromosomes फाउंड इन फीमेल सेल। ये फीमेल सेल्स में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बार बॉडीज यानी ये जो एबनॉर्मल या इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम्स आप कर सकते हैं इसको बार बॉडीज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अर्जेंट बायोप्सी विच माइक्रोटोम इज यूज्ड। अर्जेंट बायोप्सी करने के लिए कौन से माइक्रोटोम का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट माइक्रोस्टोम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्रायो का मतलब ही है जैसे कूल, यानी बहुत लो टेम्परेचर, कोल्ड आप समझ सकते हैं, और स्टेट मतलब स्टेबल होगा ये। तो ये जो हमारा क्रायोस्टेट माइक्रोटोम होता है ये बिल्कुल कोल्ड और स्टेबल माइक्रोटोम होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग टिश्यू को कट करने के लिए करते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, ये आपको याद रखने हैं। कई बार इसके टेम्परेचर को पूछा जाता है तो आपको बताना है -15 to -30 degrees Celsius इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर डेथ ऑफ द बॉडी शुड बी प्लेस्ड इन मॉर्चरी रेफ्रिजरेटर एट द टेम्परेचर। आपको पूछा जा रहा है कि डेथ के बाद जो होते हैं डेथ बॉडी को मॉर्चरी रेफ्रिजरेटर में जो रखा जाता है वो कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 degrees Celsius। ये आपको याद रखना है 2 to 4, कई बार ये जो है ये रेंज में भी होते हैं, तो 2 to 4 degrees Celsius जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैंडिडा एल्विकेंस स्टेन डैश कलर इन पैप स्टेन। आप पूछा जा रहा है जो कैंडिडा एल्विकेंस होते हैं वो स्टेन होते हैं पैप स्टेन में, तो कैसे कलर स्टेन होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड टू पेल पिंक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पैप स्टेन्स का इस्तेमाल करते हैं तो कैंडिडा एल्विकेंस जो होता है वो स्टेन होता है कैसा, रेड टू पेल पिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी द नीडल थिकनेस इज यूजुअली इन द रेंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इसकी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि FNSC में पूछा जाता है कि आखिर जो थिकनेस होता है नीडल का वो कितना होता है, रेंज आपको बताना है इसके थिकनेस की, तो उसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी 0.5 to 0.9 mm, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर थिन सेक्शन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब वो पूछा जा रहा है वो कौन सा स्टेन है जिसका इस्तेमाल थिन सेक्शन के लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में थिन सेक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग कौन से स्टेन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीड स्टेन। तो लीड स्टेन का इस्तेमाल जो होता है थिन सेक्शन के स्टोन स्टेन करने के लिए, जिसमें हम लोग उसका स्टडी कर सकें इजिली, उसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेन इज यूज फॉर थिक सेक्शन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी।
अब पूछ रहा है वो कौन सा स्टेन है जिसका इस्तेमाल करते हैं थिक सेक्शन को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में थिक सेक्शन को स्टेन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 और 2, यानी टॉलिडीन ब्लू और ट्रिफेन ब्लू, इन दोनों का इस्तेमाल जो होता है थिक सेक्शन को स्टेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, थिन सेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी इज कट एट बिटवीन, जो थिन सेक्शन कट किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी करने के लिए उसका रेंज कितना होता है ये पूछा जा रहा है आपको। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 to 90 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इसका रेंज है, इतने रेंज पे सेक्शन की कटिंग की जाती है स्टडी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। थिक सेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कट एट बिटवीन डैश एमएम, वो पूछा जा रहा है कितने एमएम का जो होगा थिकनेस का सेक्शन कटिंग किया जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, तो थिक सेक्शन पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5 to 2 mm। ठीक है, तो ये थिकनेस होती है थिक सेक्शन की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्टडी करने के लिए, उसका रेंज हमारा क्या होगा, 0.5 to 2 mm। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जैसे भी आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट होगी और जो भी आपने कमेंट किया है मैं उस कमेंट्स पे जल्द ही अमल करूँगा, और आपकी जो भी वीडियो की डिमांड है मैं उसे भी पूरा करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।